मैनू याद है असी छोटे जे सां भाई वीर सिंह जी का अकाल चलाना हो गया तो दौड़दा होया रेडियो वाला जलंधर में पढ़ांदा सां मेरे को आया कि भाई वीर सिंह गुजर गए ने किवें महसूस पिया करना होर तो मैंने कोई सुझाया ना उस वेले मैं उसनू इतनी गल कही भाई वीर सिंह जी का अकाल चलाना एक बहुत बड़ा हादसा है इन्ना बुजुर्गों की थां असी नौजवान लैते लवेंगे पर इस तरह जिन्हें ईरानी कालीन उठा के कोई बोरियां बिछा रहे हो बस मैं इंज महसूस हो रहा है ये जिहड़े जा रहे ने ना थां ते असी सारे बच्चे लै लवेंगे पर इंज जाने जे जिवें कोई ईरानी कालीन उठा के बोरियां बिछा रहा हो ये मेरी अरदास है पातशाह ऐसा कोई ठो टुका क्योंकि तू सानू जुगत ते समझा गया है कि कोई चला जाए उस दी अपनी तैयारी भी होनी चाहिए है तो उसनू ये भी ख्याल चाहिए है कि जेड़े कम मैं छोए हुए हैं ये पूरा करे इसलिए मैं जिस वेले आप दे दर्शन कर रहा हाँ तो जेड़ा भी कोई विछड़ के जाता है अंदर साढ़े रुग जरूर परिंदा है पर पाने का विधान भी आप गुरु ने बनाया है सट बहुत बजती है पर विधान तो बना दिता ने कि पाना मनना है ये साड़ा विधान है कि कुछ वापर जाए कुछ हो जाए उस दे अंदर ला नहीं डोलाना अगर अंदर ला डोल जाएगा तो समझ लो पाने का रस नहीं आया यही मैं अपने मन में भी यही गल समझांदा हाँ कि उसकी खेड विच सारे आवना ते जावना है पर एक गल साडे हिरदे जे मजबूत हन उस दे पाने नूं असी जान लिया है फिर सानू खेचल घट महसूस होएगी असी उस दे विछोड़े नूं घट कर लवांगे ये मैं मुढ़ली गल आप तक पहुँचानी इतिहास विच जो कुछ लिखिया है नौजवान बच्चे गा के आख रहे सन के इतिहास बड़ी जरूरी चीज है भी बड़ी जरूरी रूस का एक मुहावरा है कि जे तुसा टुरना होवे ना टुर नहीं सकोगे जब तक पिछले पैर ते जोर ना पाओ कोई टुर के दसेगा तुसी हुण आराम नाल जरा टुरना काली काली नहीं जिसले दीवान की समाप्ति होएगी जरा अपने कदम नूं चुकना पिछले पैर ते जोर पावांगे ना ता अगला कदम पटिया जा सकेगा इसलिए इतिहास बहुत जरूरी है कि असी पिछे उत्ते जोर पा के अगां वल जाइए पर इतना ही जरूरी उस तो भी वध जरूरी है बाणी नूं समझना बाणी नूं टालना बाणी दे के अनुसार चलना ये ख्याल साडे इतिहास विच लिखिया है गुरु अर्जन महाराज नूं आया गुरु अर्जन महाराज ये मन विच आया गुरु अर्जन मन ऐसो धारियो हो ऐसी गल गुरु अर्जन दे मन अंदर दृढ़ हो गई कि करो जतन जै जग निस्तारियो कोई ऐसा उपराला कर दिया कि जग दा निस्तारा हो जाए जग भटकदा ना रवे ये गल जिसले मन विच आई तो आप दे मुख विचों निकलिया बाणी गुरु गुरु है बाणी बेदन तथ जन बुद्ध मधानी ऐसा कोई इंतजाम कर जावा कि बाणी ते गुरु अंदर जरा भर अंतर ना किसी नूं दिखाई दे शरीर दे पिछे इंसान ना जाए व्यक्ति दे पिछे इंसान ना जाए अते इस तरह हो जाए कि अपने बुद्ध नूं मधानी बना के सारे का सारा ज्ञान मक्खन वांगू उत्ते लै आए ऐसा कोई प्रबंध मैं संसार ते कर जाव कि बेदन तथ जै बुद्ध मधानी अपनी जो अकल है इस दी मधानी बना के बाणी ते गुरु नू जरा भी अंतर ना जान के भंडार इकट्ठा कर लवे अते ए गल फिर सानू समझांदियां गुरु अर्जन पातशाह ने कही कि दस मैल तक दर्श हमारे दर्शन दसा महलों तक होंगे
उस तो बाद आ गए जन ग्रह निस्तारे, इस तो बाद इंसान किधे होर देखन ना किधरे चला जाए, फलाने कोल कुछ चीज पई है, फलाने व्यक्ति कोल पई हुई है, इस नूं घर अंदर ही मैं ऐसी चीज दे दिया कि बैठे बैठे ही इसका निस्तारा हो जाए। इथो ये सानू तीन गल्लां मिलियां कि बाणी गुरु दे विच जरा भी अंतर नहीं है, बाणी भंडार है ज्ञान दा, अते ज्ञान नूं लैण लई भटकना नहीं चाहिदा, हिरदे अंदर चाकना चाहिदा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब सानू बख्शिश करके मिलिया। चर्चा तुसी कई बारी सुनी है, कई इंसानों नूं ना समझी करके गुरु ग्रंथ साहिब दी जो महिमा है वह साढ़े तक पहुँचाते नहीं हैं, कुछ तो पता भी नहीं हुंदा। जे किसी नूं कुछ समझ आई है वह फिर अपनी मत दे उत्ते ज़्यादा जोर दे के गुरु कोलों मत नहीं लैंदा। यही कारण बनिया कि कुछ छोटे विद्वान, कुछ अखोती विद्वान, कुछ ना जान वाले इंसान ये कहना शुरू करता कि गुरु ग्रंथ साहिब दा भी कोई इतिहास है। तो मेरी पहली बेनती यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब दा कोई इतिहास नहीं हुंदा। तुर्की बाणी दा कदी इतिहास होया ही नहीं है, तुर्की बाणी दा की इतिहास दसोगे? आपनू आई, आपने लिख ली, साढ़े तक पहुँचा दिती। इसलिए कोई इंसान जो कोशिश करे ना कि गुरु ग्रंथ साहब दा गाथा या इतिहास दस देवा, वो फिर ठेडे खाएगा, गिरेगा, आप उसनों समझ बिल्कुल नहीं आ सकेगी। सानू तो बस इतनी समझ आई है गुरु ग्रंथ साहब नू पढ़ के मत्था टेक के समझ के कि इस दे अंदर जो कुछ है पढ़दियाँ समझदियाँ तो जिंदगियां लग जाएगियाँ। पर एक गल सानू भाई मनी सिंह जी समझा गए ने कि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर चार चीज़ां नहीं पाईयां। बस ये मेरे अज दा समझ लो मजमून है कि जेड़ियां चीज़ां नहीं पाईयां ना असा अपनी जिंदगी च नहीं आवन देनियां। इहदे अंदर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दे है ये तो फिर किसी एक नहीं सदा सैकड़ियां जिंदगियां लग जाणगियां। तां महाराज दे शब्दां दे अर्थ भाव जां जीवन दी समझ आएगी। कोई तुक पढ़ के देख लो तुहानू थोड़ी जी समझ आउंदी है, इंज लगता है जिवें सारा ग्रहण हो गया, थोड़े जे चिर बाद आंदे अर्थ गलत हो गए। यो तुक पढ़ के देख लो, इसके हाथ कहाँ विचार, अर्थ हुण इंज लगे ने जे बड़ा समझ आ गए ने, कोई इहदे च अक्खर मुश्किल नहीं है, कोई शब्द मुश्किल नहीं है, इसके हाथ कहाँ विचार। ते जे तुसी जरा टिक के पढ़ोगे तो इंज महसूस होएगा इस विचारे कोल कितनी कु मत है, इसके हाथ कहाँ विचार, इसे कुल कितने को मत है कि जान सके वाहेगुरु तो कितना बड़ा है, इस कुल कितने का अकल है जान सके कि वाहेगुरु तेरी बरकतां कितनी ने, इसे कुल कितने का अकल है जान सके कि वाहेगुरु तू सदा है। इसलिए इसे कुल इतनी भी छोटी विचार भी नहीं है कि वाहेगुरु की वड्याई नूं भी जान सके। इसलिए भाई मनी सिंह जी ने एक आसान तरीका सानू दसिया कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु अर्जन पिता ने चार चीज़ा आवन नहीं दितियां। बस मेरी इतनी अंदरली इच्छा है, हर एक सिख की ख्वाहिश चाहिए है कि घट तो घट ये चार चीज़ा तो मेरे अंदर ना आवन। फिर ये तो हो जाएगा ना, जे चार चीज़ा गुरु ग्रंथ साहब नहीं आईया, जे मेरे शरीर च चार चीज़ा, मेरे विहार चार चीज़ा, मेरे वतीरे भी चार चीज़ा नहीं आनगिया, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब का रूप तो नहीं एक अंश तो बन जावगा। ये मैं आख सकांगा देख भाई जो गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर नहीं जान दिता, मनी हरमंदर शरीर दे अंदर जान नहीं दिता। इसी पिता का कहना कि हरमंदर शरीर है। इस तरह मैं चार चीज़ा भाई मनी सिंह जी कहते ने गुरु अर्जन ने नहीं आवन दितिया। पहली मैं, सारे गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर मैं नहीं है, हंकार नहीं है। क्या दुनिया का मालिक है गुरु अर्जन पिता, ते अखीर ते ही कहेंगे तेरा कीता जा तो नहीं मैनू झोक कितोई। कितना बड़ा है आप गुरु नानक, पर आखनगे ही नानक विचारा क्या कहे, सब लोग सलाहे एक सै, नानक सिर लोका पाव है, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। इतना दुनिया का मालिक आप गुरु नानक, वाहेगुरु का रूप गुरु नानक, बख्शिश लैके आने वाला गुरु नानक, पर कहते ने मैनू विचारे नूं ते समझ ही नहीं है।
इथे ते इतनी कोई ऐसी एकाग्रता हुई नहीं, जरा कोई संत नु एकाग्रता मिली नहीं, साधु नु जरा एकाग्रता मिली नहीं, अगला लग पैंदा है। आछी शीशे में दिखे ना तो साजी छोटे होंगे, आछी शीशा हाथ च रखते सा, नानी की एनक चुक लेंदे सा, नानी की एनक नु लैके असी काले अखर साड़ी किताब दे हुंदे सन, किताब के काले अखरां दे अगे वह शीशा रख देंदे सा, शीशे विचों किरणा निकलदियां सन, एकाग्र होके किरणा निकलदियां सन। जिस वेले एकाग्र होके शीशे चो किरणा निकलदियां ने, वह काले अखर नु साड़ दिंदी है। तुसीं हुण वी देख लैना, आछी शीशा ले लैना, जरा कु सूरज अगे करना, ऐसिया किरणा निकलनगियां कि काला अखर सड़ जाएगा। साधु नु एकाग्रता मिलदी है, जरा कु एकांत विच जांदा है, पर एकाग्रता मिलन दे नाल या वर देंदा है या सरप देंदा है। ये की करेगा? तेनू एकाग्रता मिली है तू रोशनी पैदा कर, तेनू एकाग्रता मिली है तू जलवा पैदा कर, तेनू एकाग्रता मिली है तू इस रोशनी अंदर होरां नू टोलन की कोशिश कर। पर ऐसा होंदा है कभी किसी पिट से हथ मारदा है, कभी किसी दृष्टि वल देखदा है, कभी नजरां फिरांदा है, तो इंज समझ आउंदा है मिली उहनू जरूर है एकाग्रता। इस तो मैं कभी इनकार या तुसी नहीं करोगे। एकाग्रता मिलन तो बाद उसकी हों वध गई, मैं वध गई, बनना तो सी उसने सागर का हिस्सा, पर कह लग पाया मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। बस ये साडा अंतर है गुरु ग्रंथ साहिब नू पढ़न वाले दा, इस विच मैं नहीं आवेगी। रोज आखेगा मेरा मुझ में किछ नहीं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कौन वड्डा है? जिस वेले दसम ग्रंथ शुरू हुंदा है, बचित्र नाटक का आरंभ हुंदा है, उत्ते हैडिंग दे दिता ने अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप सारी शक्ति उसको लेके आए ने, मैं अपना शुद्ध है निवाजा, सारी ताकत लेके आए ने, पर जिसने लिखन लगेंगे तो कहेंगे अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति, इस कीड़े नु वाहेगुरु कुछ बचन कह रहा है। हुण तुसी दसो जिसने कोई बोलन लगता है, आखन लगता है, इस तरह करता है जिवें संगत विच कोई बैठी होंदी है, कोई असी कीड़े मकौड़े होने हैं, सानू कीड़े मकौड़े समझन लग पैंदा है। तुहानू की पता, तुहानू की पता, तुसी की जाणो, इस तरह दियां बोलियां बोलन वाला गुरु ग्रंथ साहिब दा हाथ नहीं पा सकेगा। इस करके मुढ़ली गल गुरु ग्रंथ साहिब दे नेड़े नहीं आई, वो मैं है, ताकि हर सिख गल जान लवे जिस दिन इस दी मैं आएगी ये बखेड़ा ये दुबदा। हुण तो तुसी रोज़ ही पढ़ते हो, कहिंदे ने की ये पंथ की असल लड़ाई, की ये पंथ की असल दुबदा, की ये पंथ के अंदर ना होण वाली एकता, तो जवाब एक ही मिलता है, होमें दे तंदूर तपे हुए हैं। होंदा जिसले तंदूर तप जाए ना, तो कोई ना कोई गुआंढन थोड़ा जिहा झुलका लैके, थोड़े जे लैके लकड़ियाँ बले हुए तंदूर च पा देंदी है, अपनी रोटी ला के लै जाती है। ये पुराना तरीका साढ़े पिंडा विच सी कि तंदूर बालदी सी एक जो रोज़ बालन वाली, अपने जिसे ला लेंदी सी ना फुलके, तो आवाज़ देंदी सी तंदूर तपे है जे, तो असी अपने झुलके साड़िया मावं या साड़ी गली वालियाँ होर औरतां चुक के थोड़ा थोड़ी लकड़ घरों लै जाती सन, तो विच पा के अपनी रोटी ला के तंदूर तो लै आउंदियां सन। हुण इहदा तंदूर तप रहा है, इर्द गिर्द दे लोग थोड़ा जिहा होर चुलका पा के फुलौनी दे के अपनी अपनी रोटी ला रहा है। यह है असल च दुबदा। गुरु अमरदास पातशाह का बचन तो सदा याद रखने वाला है, जड़ा आवे एकता नहीं होंगी। गुरु अमरदास पातशाह कह महाराज बड़ी दुबदा हो गई है, दातू की कहेंद है, दासू जी की बोलते पे ने, देखो सामने श्री चंद बाबा जी की पे करते ने, लक्ष्मी चंद उनकी पे कहेंद है, हर कोई ये जिसलिए गुरु अमरदास पातशाह आखे तो महाराज कहन लगे एकता हो नहीं सकती। पिता का वचन है एकता हो नहीं सकती, गुरु ग्रंथ साहब का वचन है राजे रैयत दुरमत दोई बिन सतगुर सेवै एक न होई। एका हो ही नहीं सकता जब तक कोई गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी अंदर टुरेगा नहीं। पहली एहतियात साहिब ने वरती कि मैं नहीं आवन दिती। दूसरी एहतियात सारे गुरु ग्रंथ साहब विच देखोगे वितकरा नहीं है। जे रामानंद है, रामानंद दक्कन दा है, असा ने कदी नहीं सोचा गुरु अर्जन पिता ने गुरु ग्रंथ साहब बनावन वेले साजन वेले बीड़ बनावन वेले ये दक्कन दा है,
अते रामानंद बारे मशहूर है ना, ये दक्कन ते उत्तर दा ब्रिज है, एक पुल है। अगर किसी ने पुल देखना होवे ना, ते रामानंद दा शब्द ध्यान नाल पढ़े जो गुरु ग्रंथ साहिब दी दर्ज है, पुल किवें बनाने ने। लोकी ते पुल तोड़दे ने ना, साडा ते रिवाज यही बन गया है, साथ तोड़ो, दोस्त तोड़ो, प्रहा तोड़ो। रामानंद दे शब्द नूं जरा कोई गौर नाल देखोगे, इंज लगेगा जिवें लोकाई नूं जोड़ रहा है। है दक्कन दा, गल उत्तर दी करदा है, है उस मुल्क दा जिहदे अंदर निरी पूजा है, गल शब्द दी करेगा, ताकि दोनों जुड़ जान, किसे दा अंतर ना रवे। कोई वितकरा आवन नहीं दिता। रामानंद परमानंद जी बारे थानू आप नू पता है, परमानंद सख्त आप लिख देना परमानंद जी, कि मेरे अंदर भी एक बड़ी ख्याल आ गया कि शायद वो चंगा है, वो माड़ा है। मैं इसलिए जरक ध्यान नाल बैठा तो मैंने समझ आई, ना कोई माड़ा है ना कोई चंगा है। उसकी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब अंदर आपने दर्ज कर दिती। जयदेव तकड़ा ब्राह्मण है, उस तो तकड़ा ब्राह्मण कोई है ही नहीं सी। जयदेव ने जिस वेले बाणी रची, आपने ये नहीं देखिया कि जयदेव हूँ ब्राह्मण है, तो इतने मैं हूँ कबीर ते रविदास ते नामदेव नू बिठाना है। उसी आदर नाल गुरु ग्रंथ साहब नू, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जयदेव नू बिठाया है। ये मैं आप कई बार महसूस किया, गुरु अर्जन साहेब तुसी उंजी तन हो, पर तुसी जो साडे ते बहुत वड्डा पर पुकार कीता है ना, हर भगत दे बारे बसंत राग दे अंदर एक पूरी अष्टपदी लिखी है कि सारे भगतां ने पाया किस तरह है, मते ए ना कोई आखे पावन दा सिर्फ एक ही रस्ता है। वो अष्टपदी आप गुरु अर्जन साहब ने लिखी, धन्ने ने किवें पाया, जयदेव ने किवें पाया, नामदेव ने किवें पाया, रविदास ने किवें पाया, रामानंद ने किवें पाया, परमानंद ने किवें पाया, सदने ने किवें पाया, सैन ने किवें पाया, बाल्मीक ने किवें पाया, अजामल ने किवें पाया, द्रौपदी ने किवें पाया, ताकि मते कोई गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नण वाला ये कहना शुरू कर देवे कि सवाए इस तो कोई रस्ता नहीं है। ये जो ना वितकरा करना है, जयदेव ने पाया छोड़िया अंभे, अहंकार छड़ दिता, मैं ब्राह्मण नहीं हाँ, मैनू कोई ना आखे मैं ब्राह्मण हाँ, मेरी ब्राह्मण दी सिर्फ हर जन्म करके मैं ब्राह्मण हाँ, मैनू कोई इस करके उच्चता ना दे देवे। तन्ने ने पा लिया बाल बुद्ध, जिवें बाल दी बुद्ध हुंदी है, जिवें बाल लाड़ लड़ांदा है माँ दी गोदी च बह के, पिता दी गोदी च बह के, बस तन्ने ने लाड़ लड़ाया तो वाहिगुरु पा लिया। मेरे कहन दा भाव है कि दूजी चीज़ साडे घर अंदर वितकरा नहीं है, इतना प्यार दिता है कि सारे खिचे आए हैं गुरु पातशाहां को। अगों फिर गुरु महाराज का अपना टंग हुंदा सी, उन्हूं समझाना, उन्हूं रस्ता दसना, उसनूं रस्ते पा देना, ताकि किसी अंदर हंकार का भी ना आ सके। एक मैं हमेशा ही हथ जोड़ के बेनती करता हाँ, यानी अर्जन सिंह जी ने भी कल आख रहा सा, ये नुक साडे च कित्थों आ गया। असी किसी सिख नूं देखने आ ना, तो पहला साडे मन च ख्याल आउंदा है इहदे च भाई मनी सिंह लभा। हुण एक गल तां हर रहनी कि किसे चो जे भाई मनी सिंह ढूंढोगे तो मनी सिंह लभना नहीं है, जे किसे चो भाई गुरदास ढूंढोगे तो भाई गुरदास मिलना नहीं है, जे किसे चो बाबा बुढ़ा जी ढूंढोगे तो बाबा बुढ़ा जी मिलना नहीं है। हुण ग्रंथी साहब बैठे हुए ने भाई गुरबचन सिंह जी, हुण तुहाडे मन च आवे ये तो बाबे बुढ़े के स्थान पर बैठे ने, तो बुढ़े वाले के सारे गुण होने चाहिए, ये नहीं जे होना। ये तो कभी कोई बरकता नाल साडे कोल ये महापुरश आ गए। हुण तरीका की है, असी बुढ़े नूं देखिए कितों, असी भाई गुरदास नूं तकीए किस तरह, असी गुरु नानक पातशाह दे सारे वो पुराने सिखां दा चलकारा कितों लईए। एक फिर आसान तरीका भाई गुरदास जी ने दस दिता, वो तरीका है जाप साहेब। जाप साहेब अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी पिता ने वाहेगुरु दे कटवध हो सकते ने, गिनती गलती हो सकती है, वाहेगुरु दे जाप साहब दे अंदर 735 गुण लिखे हैं। इतना वड्डा वाहेगुरु, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने वाहेगुरु तेरे 735 गुण। इहदा कारण कई हो सकते ने, पर एक कारण मैनू ये लगा है, क्योंकि इस्लाम कहंदा सी, मुहम्मद कहंदे सन, अते उन्हां दे जिहड़े अहवारी ने कहंदे सन कि वाहेगुरु दे अल्लाह दे सिर्फ 100 गुण ने। महाराज ने कहा नहीं, 100 नहीं हन, बेअंत गुण ने। उन्होंने गिनती 735 की कर दिती। हुण फिर आसान तरीका सानू इक समझ आ गया कि वाहेगुरु का एक एक गुण इत्थे बैठे हुए 600 सजणा अंदर जे हो जाए,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਦੌੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈ ਮਰ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈ ਮਰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟੰਡੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੰਡੋਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੂਨ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਟੁੰਡਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਪੁੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਹੈ ਭੜਕਾਹਟ, ਉਹ ਹੈ ਭੰਗੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਗ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਦੀਪਕ ਨਾ ਮੇਘ। ਦੀਪਕ ਮੈਨੇ ਸਾੜਾ, ਮੇਘ ਮੈਨੇ ਭੰਗੜਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਘ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੈਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਐਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਤੈਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮਨ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਹੈ ਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਐਸ਼ ਆਈ, ਨਾ ਤੈਸ਼ ਆਈ, ਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਆਈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MTV ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ।
इसी तरह महाराज ने देखिया ये जेड़े फोक सांग ने जिन्हां विच कोड़ियां ने जिन्हां विच करले है जिन्हां विच वंजारा है जिन्हां विच अलानिया है, कह लगे अगर इस नूं थोड़ा जिहा ऐसी छो दे दें ये सारे पावन पवित्र होके इस तरह हो जाण जिवें इन्ने कूले ते मालूक हो जाण कि हर आदमी संसार अंदर विचरदा होया सहज खुशी भी महसूस करे पंगड़े वल ना जाए। यह है गुरु ग्रंथ साहब के 93 सिरलेख। जे जरा कोई ध्यान नाल देखेगा तो इंज महसूस होगा उसनू कि हथ लाया ने ते इतने क्रूड़ नू क्रूड़ भाव इतने कुरखत नू भी आपने मनुख कर दिता है, इतना उसनू प्यार दे दिता है कि राणियां भी गाने ते दिल करदा है घोड़ियां भी पढ़न ते दिल करदा है कर हला हो रहा है पर साडा मन टिक जांदा है। तीसरी चीज गुरु ग्रंथ साहब विच आपने नेड़े नहीं आवन दिती। वाहेगुरु ये रहमत कर साढ़े विच भी कदी ऐश ते तैश ना आवे। चौथी चीज है ज्यादा मुश्किल, सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर कीते नूं नहीं सलाया करते नूं सलाह, किसे वेले कीते नूं नहीं सलाया। संसार देखे ना देख विडान रिया विस्मा, संसार दी चंगी चीज देखिए ध्यान वाहिगुरु वल चल गया है, मूर्त नूं देखे अमूर्त भी चला गया, मूर्त अमूर्ते मूर्त नूं देखन बाद अमूर्त भी चला गया, टिके नहीं बह गया रुके नहीं बह गया। सुनांदे भी नहीं कुछ लोगों दी कहानियां कि दो साधु बैठ गए, एक ने आख्या मैं सब कुछ त्याग दिता है, दूसरा उन्हें देखन गया तो हैरान हो गया कि जेड़ी जेड़ा इसने चंदोआ लाया हुआ है ना मच्छरदानी लाई हुई है अपने घर अंदर, मच्छरदानी के किल जेड़े ना सोने के किल ने, जिसने सब कुछ आ गया सी बड़ा हैरान होया कहने लगा तू ही कैसे साधु है तेरी साधु गुणा की है तू तो मच्छरदानियां जेड़े किल ने ना ये भी सोने दे लाए हुए ने। आखर साधुआं की बोली साधुआं की बोली हुंदी है, आखर लगा चल भाई छड़के चले चलने। जिसले दोनों छड़के चले गए उसने मच्छरदानी सोने ना लगी किल छड़के निकल पिया, तो थोड़ी दूर गया ना जेड़ा साधु कहिंदा सी ना तू मच्छरदानियां सोने दे किल लाए ने, तो कह लगा ओ मेरा तो लोटा उठ रह गया है, तो वह कह लगा भले लोका दीवार विच सोने दा किल ला लेना चंगा है, हिरदे अंदर कटोरा नहीं रखना बड़ा जुल्म है। बस ये साड़ियां आदतां जे असी आप दुनिया के अंदर रहने वाले भी इंसान कई बार ऐसा महसूस करने हाँ ये की बन गया है ये की हो रहा है। स्वाय गुरु ग्रंथ साहब तो सोझी नहीं आएगी, करते नूं सलाना है कीते नूं किसे वेले नहीं सलाना। वो तो देन वाला है पन्नन वाला है कड़न वाला है लैन वाला है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर गुरु अर्जन पिता तेरी रहमत सानू सब तो पहली जो अंदर है ये तो फिर बैठ के टिक के आप सारे रल के विचार करांगे। ये भी मैं मन च पक्ष बनाया है कि इस वारी इन्ने दिन तो नहीं जितने प्रधान साहब ते सेक्रेटरी साहब ने कि जिन्हें भी 8-10 दिन आप को बैठांगे ये मेरा मन पक होया है कि जेड़े मुढ़ले सिद्धांत हैं ना ये सानू जरूर पता होने चाहिए। जे मुढ़ली गल पता हो तो फिर दीवार महल इमारत बहुत अच्छी होंगी है, जे नी जरा गलत हो जाए तो बहुत नुकसान होंगे। सिर्फ एक साड़ी बदकिस्मती रही है असी मुढ़ले सिद्धांतों उत्ते कभी भी अपने अस्थाना अंदर विचार नहीं किए अते दसी भी नहीं है। जेड़े साडे मुढ़ले सिद्धांत हैं इन्हां बारे है तो बेअंत भाई कान सिंह जी नाभा कहिंदे ने मारतंड पुस्तक है गुरमत मारतंड कहिंदे ने सिखां दे मुढ़ले सिद्धांत हैं 476। बड़ा कठिन है कि 476 सिद्धांत समझदे समझदे शायद होर दो जिंदगियां लग जाण। फिर प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां नूं असां बेनती की थी कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब बड़े ध्यान नाल पढ़िया है गुरु ग्रंथ साहब के शब्द के अर्थ किए ने टीका किया है विस्तार दिता है सानू गुरु ग्रंथ साहब के मुढ़ले सिद्धांत दस जाओ। उन्होंने फिर साड़ी बेनती से एक पूरा कांड लिखिया जिसका नाम है गुरमत अंग संग्रह। गुरमत के कुल अंग 37 हैं, 37 ऐसे सिद्धांत हैं जरा गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा उन्हें पता जरूर चाहिए ने, ना समझ तो नावन सही इतना तो होना चाहिए कि फलाना सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। अते फिर कुछ विद्वानों ने रल के कहा नहीं सिद्धांत नखेड़ने चाहिए ने
यह मेरा मन है। जिमें ईसाइया ने किया, ईसाइया ने बड़ा अच्छा एक ढंग लभ्या कि सारे अपने विद्वान कट्ठे कर ले, डेढ़ साल अपने को बिठाई रखिया, कहन लगे बाइबल विचों सिद्धांत लभो। उन्होंने सिद्धांत पहला 500 कढ़िया, फिर 100 कढ़िया, यह हूँ पिछले साल किताब उन्हें छापी है कि बाइबल नूं समझन लई 50 सिद्धांत बड़े जरूरी हैं। तो मैं यही आप तक इतनी कुछ सांझ मेरा दिल है कि वाहिगुरु समां देवे, आप भी प्यार रहे जो हमेशा ही साथ है। घट तो घट 50 सिद्धांत सानू पता होने चाहिए ने जिहड़े साडे मूल हैं, जिस उत्ते सट वजे असीं आखिए देखो सिद्धांत पिया तोड़दा है, बजाय इस दे असी अपनियां जबानां सांझियां करके गुरुद्वारे अंदर अस्थाना अंदर अपने अंदर कोई ऐसा वाद विवाद खड़ा कर लिए। ये ना समझी दे कारण हुंदा कि कोई विद्वान वाद खड़ा कर देंदा है, जिवें तुसानू मैं पहले ही बेनती की थी, इंजे भी किसी ने विवाद खड़ा कर दिता ना समझी अंदर अखोती विद्वान होने के नाते गुरु ग्रंथ साहेब ते गुरु अर्जन साहेब की संपादन कला भी चैलेंज कर दिता। गुरु अर्जन साहब आप मालिक हैं, उन्हां दी इच्छा है कि शब्द कित्थे रखना है, सलोक कित्थे रखना है, वार कित्थे रखनी है, पौड़ी कित्थे पानी है, उन्हां दी इच्छा है। उसने चैलेंज शुरू करता जिसका नाम तुम सुनते रहे हो प्यार सिंह करके जानिया जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आ सकी कि गुरु अर्जन साहब की संपादन कला नू कोई इंसान चैलेंज कर ही नहीं सकता। उन्हां दी मर्जी है कि पहला गुरु रामदास का शब्द लिखन, पिछे गुरु नानक साहब का शब्द लिखन। उन्हां दी मर्जी है कबीर का सलोक शब्दां कबीर के शब्दों च लिख देन या वो गुरु अर्जन साहब के अपने शब्दों च पा देन। उन्हां दी संपादन कला नू कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई गुरु अर्जन साहिब दे कीते होए ते अपने आप नूं विद्वान कह के चार अक्षर जे वध लिख देवेगा, उस लई उन्हूं सिद्धांत पता नहीं हुंदे। ए असी सारे रल के सब तो जरूरी ए चार चीज़ां वाहिगुरु करे साडे नेड़े बिल्कुल ना आउण, हों दा दा सानूं ना वजे, हों सानूं इतनी हावी ना हो जाए कि असी हों दे ही खिडौने बन जाइए, जंतर वांगू मशीन वांगू चलना शुरू हो जाए। अते दूसरा करतब अंदर, वतीरे अंदर, विहार अंदर वितकरा ना आवे, अते कदी साडे अंदर पड़काहट मायूसी ना आवे। जो कुछ वापर रहा है साडी समझ तो उत्ते हुंदा है, सिर्फ ये याद रहे कि वाहिगुरु आप करन वाला है। एक इंसान की गल कह के मैं आपको खिमा मंगागा कि उस दियां लत्तां कोई नहीं, लत्तां कोई सां नहीं उस बंदे दे, हत्थां भी उसते कोई चलते नहीं हैं, पर एक चीज़ वो चल रही है दसम द्वार। उसका नाम है हॉकिंस, किताब नवी छपी है, उसका नाम है टाइम मशीन। उसका कोई चीज़ नहीं टुरदी पई, सिर्फ उसका दिमाग पिया टुरदा है, अते दिमाग दे नाल उन्होंने मशीना ला के, लंडन का रहने वाला है, मशीना ला के जोड़ा दिमाग सोचता है, उन्होंने फिर कागज उत्ते उलीक के उसने किताब लिखी है टाइम मशीन, जिसका तर्जमा है काल कला। काल कला वक्त नूं उसे दसे काल कला है, जिसनों जरा कुछ समझ आ जाएगी फिर उस समय का गुलाम नहीं होएगा। काल कला दे अर्थ ये ने कदी मैनू ये जाच आ जाए इस कड़ी नूं पिछे ले जाण दी, इस समय नूं मैं पिछे ले जावा, अते मैनू की तरीका आ जाए कि सारा समय मैं हौली हौली करते करते पिछे ले जावा। तो जिसले मैं काल दी मशीन नूं जरा कु पिछा लावांगा ये पिछे बोलना शुरू हो जाएगा, तो की होएगा, मैं भाई गुरुदास दिस पैणगे, मैनू गुरु नानक साहब दिस पैणगे, मैनू मुहम्मद दिस पवेगा, मैनू ईसा दिस पवेगा, जरा हो पिछे चलो मैनू वाहेगुरु दिस पवेगा। उसने किताब का ना ही रखे तो हम मिल जाएगी किसी लाइब्रेरी चो या किसी दुकान तो जो ही छप के आई है। ये जी काल कला है ना, सवाए गुरु ग्रंथ साहब तो समझ आ ही नहीं सकती कि समा कितना हावी होंगे, तो समय में हावी होन नहीं देना। यह ने साडे मुढ़ले सिद्धांत जी सिख नूं हमेशा चढ़दी कला च रखणगे। उहदा चित है कि अपने वक्त की मशीन नूं चलांदा चलांदा त्रैकालदर्शी हो जाए, तो उहदा चित है कि कड़ी नूं घुमांदे घुमांदे आग वाहिगुरु के चरणों में बैठ जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।